सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। जिंदगी इतनी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आज का पंचांग 5 अप्रैल 2020 दिन रविवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:25 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र दोपहर 2:55 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:41 से 6:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:39 से 12:28 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 5 अप्रैल 2020 दिन रविवार, स्थिति को बेहतर बनाएं और मित्रों व परिवार के साथ भोजन ग्रहण करें। किसी करीबी की स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है, अपनी चिंताओं के बारे में दूसरों को बताएं और उनके विचारों को सुनें। आज आपकी भावनाएं बेहद प्रभावी, उत्साह और अवसाद को मन में न आने दें, अपनी रोजाना कामों में उब सकते हैं, इसलिए विश्राम के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। आत्मविश्वास और मेहनत ऐसी चाबी है जिससे जीवन में हर ताले को खोला जा सकता है। आर्थिक जीवन इस समय सामान्य रहने की उम्मीद है। इस समय आप भविष्य की कुछ योजनाओं पर भारी निवेश कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने कुछ खर्चों पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। आज के दिन आपके लिए कुछ नई शुरुआत के लिए नहीं है, इसके लिए आपको थोड़े और इंतजार करने होंगे। अपने आसपास की परिस्थितियों पर पूरी नजर रखते हुए अपनी कामों की प्राथमिकता तय करें। पुराने कामों को निपटा कर कुछ नया शुरू करने का दिन है। आज कोई नया ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से आज एक सुखद मुलाकात हो सकती है। पार्टनर के साथ आपके संबंध भी मजबूत और मधुर होंगे। सावधानियां, आपके भाई आपको कुछ कहे जिसके कारण आप दुखी महसूस करेंगे, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह आपके अच्छे भविष्य के लिए है। हालांकि इस दौरान आपको अपनी बातों को सही ठहराने से बचना चाहिए, बल्कि सबकी बातों को समझकर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो परिवार को लेकर आप हमेशा भावुक रहते हैं और यही वजह है कि पिता या शिक्षक पर आया संकट आपको परेशान कर सकता है। पहले से बनाई गई यात्रा की योजना आपको किसी कारण से रद्द करनी पड़ेगी। अपने साथी को नजरअंदाज न करें क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। आज अपना और प्रियजनों का खास ख्याल रखें। अगर लंबे समय से चली आ रही परेशानी से आप नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी खास की मदद, अपनी रोजाना के कार्यक्रम से छुट्टी लेकर अपने शौक पूरा करके और साथी के साथ कुछ रोमांटिक पल गुजारें। अगर बाहर जाना जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें। करियर की बात करें तो आज अपने धन या ऊर्जा का कुछ भाग अपने रिश्तेदारों और परिवार पर खर्च करें। वित्तीय बैंकिंग पेशे से जुड़े लोग आप स्वयं को बेहद व्यस्त महसूस करेंगे, लेकिन आने वाला समय उन्हीं के लिए अच्छा समय लेकर आएगा। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। आज आपकी भावनाएं आप पर हावी भी हो सकती है, इसलिए इस समय कोई भी निर्णय लेने से बचें। अगर आज चीजें आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है तो अपने दिल के सुने, अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लें और आत्मनिरीक्षण करें। नशा केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी नुकसानदायक है, इसीलिए नशे से बचें। सेहत की बात करें तो
आज बहुत समय से चली आ रही कमर दर्द की शिकायत महसूस करेंगी। ज्यादा शारीरिक काम और उसके दबाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम कीजिए। ध्यान रहे कि आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाए, और ज्यादा मेहनत वाली कसरत ठीक होने के बाद कीजिए। आज का उपाय, आज आप शाम घर में घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।